सो हाय गाइस, हमारे गेम के अंदर OB43 का कंप्लीट अपडेट आ चुका है। और गाइस, इस अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। और अगर आप लोग प्रोफाइल के अंदर आओगे ना, तो नीचे में आप लोग एक विश लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और भाई, ये कोई ऐसा वैसा ऑप्शन नहीं है, इसमें आप लोग को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हो, इमोट है, बंडल है, ये सब आप लोग को विश करने पर बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाला है। अब गाइस कैसे, वो तो मैं आप लोग को वीडियो के आगे बताऊंगा ही। तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है आज के इस वीडियो के अंदर। ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना। और अगर आप लोगों ने तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करना, ताकि फ्री फायर गेम में आने वाला ऐसा कोई भी इवेंट या फिर अपडेट आपका मिस ना हो पाए। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके कुछ डाउट्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बंदों का कमेंट आ रहा था कि भाई, मैंने पहले से ये कलेक्शन पैक वगैरह डाउनलोड करके रखा था, लेकिन जैसे मैंने अपने गेम को अपडेट किया, उसके बाद हमारा जो कलेक्शन पैक है वो डिलीट हो गया। तो गाइस देखो, ये ना हर ओबी अपडेट का प्रॉब्लम है। जैसे आप लोग ओबी का अपडेट करोगे भाई, आपका जो कलेक्शन पैक है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको सिंपली से डाउनलोड सेंटर के अंदर आना है, और जो भी कलेक्शन पैक आपका डिलीट हो गया उसको आप लोग इजीली यहां पर डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ एक नया इवेंट भी आया, उसका कलेक्शन पैक भी आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एनीवेज, अब हम लोग बात करते हैं विश लिस्ट के बारे में। तो गाइस, अगर आप लोग अपने प्रोफाइल के अंदर आओगे तो आप लोग को भी ऐसा विश लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग को ये सारे आइटम देखने को नहीं मिलेंगे। और गाइस मैं आप लोग को बता दूं, ये जो आइटम आप लोग देख रहे हो, ये सारे आइटम मेरे अकाउंट के अंदर नहीं है, इसी वजह से मैंने इसको विश किया है। अब आप लोग भी ऐसे ही करके विश कर सकते हो, जो भी आइटम आपके पास नहीं है उसको आप लोग खुद से विश कर सकते हो और अपने दोस्तों से उसे मांग सकते हो, ठीक है। अब देखो, जो जो आइटम आपके गेम के अंदर अवेलेबल है, वो सारे आइटम अवेलेबल लिखा हुआ दिख जाएगा। जैसे कि ये आइटम हमारे स्टोर के अंदर अवेलेबल है, तो यहां पर अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है। और गाइस, ये आइटम भी मेरे स्टोर के अंदर अवेलेबल है, तो ये भी अवेलेबल लिखा हुआ आ रहा है, ये भी अवेलेबल, ये भी अवेलेबल, ये सारे सब कुछ अवेलेबल है स्टोर के अंदर, तो यहां पर अवेलेबल दिखा रहा है। लेकिन गाइस, जो नीचे का आइटम देख रहे हो, जैसे कि ये हमारे स्टोर के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इसके अंदर अवेलेबल नहीं दिखा रहा है। लेकिन भाई, मेरे अकाउंट के अंदर भी ये वाला जोकर का बंडल नहीं है, ठीक है। तो जो जो आइटम आपके पास नहीं है उसको आप लोग खुद से विश लिस्ट कर सकते हो। अब विश लिस्ट करने का क्या फायदा है वो मैं आप लोग को बता देता हूं, क्योंकि ये जो अपडेट है वो अभी अभी हमारे गेम के अंदर आया है। काफी सारे लोगों को ये पता नहीं है कि विश लिस्ट करने का क्या बेनिफिट है। जैसे कि देखो, ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड ने यहां पर प्रोफाइल, अगर आप लोग चाहो तो प्रोफाइल ओपन कर सकते हो। और गाइस, यहां से इसका बंडल वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है। यहां पर आप लोग क्लिक करके देख पा रहे, इसने जो जो बंडल्स वगैरह पहने हैं, जो भी आइटम पहने हैं, वो यहां पर सारा कुछ दिखाया जा रहा है। गन का स्किन वगैरह भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी अपने फ्रेंड के प्रोफाइल पर क्लिक करके उसका पूरा आउटफिट देख सकते हो। अब गाइस, जैसे आप लोग इसका प्रोफाइल ओपन करोगे ना, तो इसके प्रोफाइल के नीचे में भी आप लोग को विश लिस्ट देखने को मिलेगा, जो कि अभी अभी हमारे गेम के अंदर ऐड किया गया है। और गाइस, जैसे मैं इसके विश लिस्ट के अंदर आता हूं ना, तो भाई देखो, इसने कोई भी विश नहीं किया है। और गाइस, ये टोटल 40 विश कर सकता है, जिसमें इसने 0 विश किया है, क्योंकि अभी इसको पता ही नहीं होगा कि भाई विश लिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को समझा देता हूं विश लिस्ट क्या होता है। देखो, मैं यहां पर कुछ दोस्तों का देखता हूं। वैसे गाइस, मैंने ढूंढा है भाई, किसी ने भी विश लिस्ट नहीं किया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि विश लिस्ट का क्या मतलब है। तो गाइस, मैं आप लोग को समझा देता हूं। देखो, मेरा जो भी प्रोफाइल ओपन करेगा ना, तो उसको विश के अंदर आने के बाद ये सारे आइटम देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग माना कि मेरा प्रोफाइल ओपन करते हो, तो आप लोग को ये सारे आइटम देखने को मिल जाएंगे मेरे विश लिस्ट के अंदर। अब देखो, जो भी आइटम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ये वाला आइटम मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जबकि स्टोर के अंदर ये पड़ा हुआ है, तो कोई भी मेरा सब्सक्राइबर हो गया या फिर जो भी मेरा प्रोफाइल इंस्पेक्ट कर रहा है, अगर उसको ऐसा लगता है कि भाई ये ना इनको दे देना चाहिए, तो यहां पर आप लोग गिफ्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जैसे आप लोग गिफ्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना, आपके अकाउंट से डायमंड कट जाएगा और भाई मुझे ये वाला जैकेट पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट है कि कोई भी, मतलब आपका दोस्त भी है ना और आपके गेम के अंदर फ्रेंड नहीं है, आपका प्रोफाइल इंस्पेक्ट करता है और विश लिस्ट के अंदर ये सारे आइटम दिखता है उसको, और उसके पास डायमंड होगा ना, तो वो डायरेक्टली आपको आइटम सेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा सा फीचर इसके अंदर ऐड किया गया है। वैसे देखो, मुझे पता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो चलो मैं आप लोग गिफ्ट करके दिखाता हूं। हालांकि देखो, अभी कोई भी दोस्त विश लिस्ट नहीं करके आए, तो मैंने अपने सेकंड आईडी को यहां पर विश लिस्ट करके दिखा देता हूं, और मैं आप लोग को आइटम भी गिफ्ट करके दिखाता हूं, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। ऑल राइट गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने सेकंड अकाउंट के अंदर। और गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोग को इसका विश लिस्ट दिखा देता हूं। जैसे आप लोग प्रोफाइल के अंदर आओगे, नीचे में आप लोग को विश लिस्ट देखने को मिलेगा, और अभी आप लोग देख पा रहे, इसके विश लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक विश लिस्ट किया ही नहीं है, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमें विश लिस्ट कैसे करना है, तो विश लिस्ट करना भी मैं आप लोग को वीडियो के आगे सिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को गिफ्ट सेंड करके दिखाता हूं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अपने मेन आईडी के अंदर बहुत सारे विश लिस्ट करके रखे हैं, तो मैं आप लोग उनमें से कोई आइटम सेंड करके दिखाता हूं। जैसे कि देखो, ये मेरा मेन अकाउंट है, ठीक है। तो यहां पर गाइस, अगर आप लोग चाहो तो इनका आउटफिट वगैरह विश लिस्ट कर सकते हो। देखो, यहां पर विश लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहां पर अगर आप लोग इस पर क्लिक करोगे, तो ये कंफर्म करोगे ये विश लिस्ट हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही करके आप लोग स्टोर के आइटम भी विश लिस्ट कर सकते हो, वो मैं आप लोग को बता दूंगा। फिलहाल गाइस, हम लोग प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा गाइस देखो रियल अकाउंट का यहां पर प्रोफाइल है, और नीचे में मुझे यहां पर विश लिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जैसे आप लोग विश लिस्ट के अंदर आओगे, देख पा रहे, यहां पर मैंने काफी सारे चीजों को विश लिस्ट करके रखा है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं तो इसको यहां पर आराम से गिफ्ट सेंड कर सकते हो। देखो, यहां पर गिफ्ट सेंड करने का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ये जो आइटम है वो स्टोर के अंदर अवेलेबल है, इसी वजह से यहां पर गिफ्ट सेंड करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है।
है। ये वाला अगर आप लोग इस पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पर गिफ्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि ये आइटम स्टोर के अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे चीजों को बिल्कुल भी विशलिस्ट नहीं करना है जो स्टोर के अंदर अवेलेबल ना हो, क्योंकि स्टोर के अंदर अवेलेबल नहीं होगा तो कोई भी बंदा आपको वो गिफ्ट सेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे कि ये सारे आइटम है तो मैं इसको सेंड नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये सारी चीजें स्टोर के अंदर अवेलेबल है तो इन सारी चीजों को मैं यहां पर गिफ्ट सेंड कर सकता हूं, ठीक है। तो फिलहाल गाइस मैं आप लोग किसी चीज को यहां पर गिफ्ट सेंड करके दिखाता हूं। जैसे कि देखो ये एमएट टूबे का स्किन, इसको भी मैंने विशलिस्ट करके रखा है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, गिफ्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और गाइस यहां पर हम लोग गिव कर सकते हैं, ठीक है। गिव जैसे ही करोगे आपके अकाउंट से डायमंड कट जाएगा और गाइस उसके पास पहुंच जाएगा, मतलब मेरे मेन अकाउंट के अंदर पहुंच जाएगा। ऐसे करके आप लोग अपने दोस्तों को भी दे सकते हो, लेकिन भाई मेरे किसी दोस्त ने विशलिस्ट किया ही नहीं है, तो चलो अपने मेन आईडी को यहां पर गिव कर देते हैं। गिव पे क्लिक करना है और गाइस देखो यहां पर मैं मैक्स करके क्रेट सेंड कर सकता हूं, लेकिन गाइस यहां पर हम लोग कुछ ही क्रेट को सेंड कर सकते हैं। जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए क्रेट सेंड कर रहा हूं, 160 डायमंड का यहां पर मैं कर देता हूं, ठीक है। मेरे पास से 160 डायमंड कट जाएगा और यहां पर सेंड सक्सेसफुली हो चुका है और मेरे मेन आईडी के अंदर ये आइटम पहुंच गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अगर चाहो तो मेरा प्रोफाइल ओपन करके कोई भी आइटम गिफ्ट सेंड कर सकते हो। अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा प्यार आता है तो ऐसे करके मेरा प्रोफाइल ओपन करने के बाद जो भी विशलिस्ट के अंदर आइटम है ये सारे आइटम आप लोग गिफ्ट कर सकते हो। जैसे आप लोग गिफ्ट पे क्लिक करोगे यहां पर कुछ मैसेज भी लिख सकते हो, मतलब कि जो भी आई एम बिग फैन है ऐसे कुछ करके, मतलब जो भी आप लोग को लिखना है लिख सकते हो, उसके बाद आप लोग गिव कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग किसी को भी अपने इमोट वगैरह दे सकते हो और आप लोग को बिल्कुल ही फ्री का इमोट मिल जाएगा। तो क्या चाहिए, ये विशलिस्ट का ऑप्शन है, बहुत ही मस्त विशलिस्ट का ऑप्शन है। मैंने आप लोग को सारा कुछ करके दिखा दिया। अब गाइस मैं आप लोग को मेन आईडी ओपन करके दिखाता हूं, ठीक है। ओके गाइस मैंने अपने मेन अकाउंट को ओपन कर लिया है और गाइस देखो यहां पर सबसे पहले फ्रंट में ही आ गया फ्रॉम जीजी लेटर, जो कि मेरा सेकंड अकाउंट है। और गाइस यहां पर बोया लिखा हुआ है, क्लेम करते हैं और गाइस मुझे यहां पर गन का क्रेट मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई फाइनली मुझे ये मिल चुका है। वैसे गाइस मुझे ये वाला स्नाइपर चाहिए था, इसी वजह से मैंने ये वाला क्रेट भेजा था, लेकिन भाई मुझे 4 दिनों के मिला। खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए सेंड किया था और गाइस मुझे विशलिस्ट का आइटम मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो यही विशलिस्ट का फायदा है, अगर आप लोग विशलिस्ट करके रखोगे तो कोई भी रैंडम प्लेयर अगर आपका प्रोफाइल ओपन करता है और विशलिस्ट के अंदर जाता है तो अगर उसके पास डायमंड होगा ना तो विशलिस्ट के अंदर जो भी आइटम उसको अच्छा लगता है कि हाँ इस बंदे को दे देना चाहिए तो वो आपको सेंड कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, जैसे मैंने आप लोग को अभी करके दिखाया, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही करके विशलिस्ट करके रखना, लेकिन ऐसे आइटम को विशलिस्ट मत करना जो स्टोर के अंदर अवेलेबल ना हो। जैसे कि देखो मैं आप लोग को सपोज दिखाता हूं, ये है पुष्प वाइटी, ठीक है। और गाइस इसने क्या क्या कर रखा है, इसने देखो ये सारे आइटम कर रखा है और गाइस कोई कोई आइटम जो है वो स्टोर के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। जैसे कि मैं आप लोग को सपोज दिखाता हूं कोई ऐसा बंदा हो, चलो गाइस ये बंदा है, ठीक है, तो इसको दिखाते हैं इसका। अरे यार ये सारे आइटम तो मेरे पास पहले से ही है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरे लिस्ट के अंदर जितने भी प्लेयर्स हैं उनके पास जो भी आइटम उन्होंने पहन रखा है ना, उसमें से ज्यादातर आइटम मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है भाई, उसको मैं विशलिस्ट कर ही नहीं पा रहा हूं। खैर देखो इसका, देखो ये है बुयाडे का, तो इसको हम लोग विशलिस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये वाला भी विशलिस्ट कर देते हैं, ये दोनों आइटम मेरे पास नहीं था। अब गाइस देखो विशलिस्ट करने का क्या बेनिफिट है, जैसे आप लोग विशलिस्ट करोगे अब गाइस कोई भी विशलिस्ट के अंदर आएगा और गाइस ये जो आइटम है मुझे गिफ्ट कर सकता है, लेकिन ये चीजें ना स्टोर के अंदर अवेलेबल नहीं है तो आप लोग इसको गिफ्ट नहीं कर पाओगे। तो आप लोग को ये सारी चीजें को विशलिस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, आप लोग को सिंपली से आना है स्टोर के अंदर, ठीक है। स्टोर के अंदर आने के बाद जो भी आइटम आप लोग को अच्छा लगता है, जैसे कि ये वाला बंडल है या फिर ये वाला बंडल है आपके पास नहीं है और आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, तो यहां पर आप लोग को साइड में विशलिस्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो इस पर आप लोग को सिंपल सा क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे ये विशलिस्ट हो चुका है और उसके बाद आप लोग अपने प्रोफाइल के अंदर आना और विशलिस्ट के अंदर आना। विशलिस्ट के अंदर जैसे ही आप लोग आओगे ये वाला बंडल यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो भी प्रोफाइल आपका ओपन करेगा उसको लगेगा कि हाँ ये वाला बंडल इस बंदे को दे देना चाहिए, या फिर अपने दोस्त को भी बोल देना कि भाई विशलिस्ट के अंदर मैंने बंडल ऐड किया है प्लीज उसको गिफ्ट कर दे। तो यहां पर वो जैसे ही मतलब गिफ्ट वाला ऑप्शन उसको साइड में मिलेगा, जैसे गिफ्ट पे क्लिक करेगा उसके अकाउंट से डायमंड कट जाएगा और आप लोग को बंडल मिल जाएगा, ठीक है। तो यही होने वाला हमारा विशलिस्ट, जो कि मैंने आप लोग को फुल डिटेल्स के साथ बता दिया है। लेकिन अगर आपका अभी भी विशलिस्ट के बारे में कोई भी डाउट है तो कमेंट के अंदर बिंदास पूछ सकते हो, मैंने आप लोग को सब कुछ करके दिखाया है A to Z। तो आई होप आप लोग को वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, कोई भी डाउट है कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय।